नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में यातायात नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले लोगों पर यातायात पुलिस का चाबुक चल रहा है। यातायात माह नवम्बर के चलते ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर सतर्क दिखाई दे रही है और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का चालान भी काट रही है। बता दें कि बिजनौर में यातायात माह नवंबर के चलते यातायात उपनिरीक्षक बलराम सिंह यादव के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने जनपद में 22 दिनों में 12,236 वाहनों के चालान कर 1,29,15,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया। बता दें कि यातायात माह नवम्बर चल रहा है, ऐसे में पुलिस लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों से यातायात नियमों का पालन कराया जाए। इसी कड़ी में पुलिस व यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर यातायात नियमों को तोड़ने वाले 12,236 वाहन चालकों के चालान किए और 22 दिनों में पुलिस व यातायात पुलिस ने लगभग 1,29,15,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ। We'll be right back.